जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद हैं तेरे। बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद हैं तेरे कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तबलीगी जमात के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि गोदी मीडिया को भी जो लताड़ लगाई है, और यह अपने आप में ऐतिहासिक है। मगर उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। आपके सामने ये दो चेहरे हैं, प्रकाश जावड़ेकर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष। क्या बीजेपी को शर्म नहीं आती कि हर तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले पत्रकारों के साथ आप खड़े हो? और इसे तुम आजादी पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले की संज्ञा दे रहे हो? अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल का मालिक, मुंबई पुलिस के मुताबिक टीआरपी के फर्जीवाड़े में यह चैनल पकड़ा गया है। बाकायदा मुंबई पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं, यह भी बताया है कि मनी ट्रेल साबित हुआ है, पैसा का लेन देन यह साबित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो भूल जाइए, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री इस चैनल के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। क्या कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फ्री प्रेस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ आर डेमोक्रेसी एंड अ चेरिश्ड आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रैम्पलिंग ऑन मीडिया फ्रीडम विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। टारगेटिंग ऑफ द मीडिया बाय कांग्रेस एंड इट्स एलाइज इज अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इज अनएक्सेप्टेबल। ये कहा है किसने? माननीय प्रकाश जावड़ेकर ने। क्या कहते हैं जेपी नड्डा? Shooting the messenger is an art the Congress, their allies and ecosystem have mastered. They have been unapologetic about it since the emergency. The assaults on Republic and trampling over media freedom will never be tolerated by the people of India. Nadda sahab, sharam aati hai aapko? Aapne ye baat baghair man ke andar glani bhare, baghair man ke andar apraad bodh bhare, aap ye baat kaise keh sakte hain? देश में आपातकाल नहीं है, और आप जो मीडिया के साथ कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मगर दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने एक बहुत अहम बात कही है। उन्होंने ये बयान दिया है तबलीगी जमात के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बेजा इस्तेमाल हुआ है, और इसके लिए उन्होंने करारा प्रहार किया है मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से तबलीगी जमात के बारे में अनाप शनाप बातें कही गई बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी प्रमाण के, वो अप्रत्याशित है। और जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा दुखद बात क्या है? अदालत के अंदर जब लताड़ लगा रहे थे बोबडे साहब, और उन्होंने यह भी कहा, The top court also berated the government for having a junior officer file what it called an extremely offensive and brazen response. केंद्र सरकार को लताड़ लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहते हुए कि आपने एक जूनियर ऑफिसर को जो है इस्तेमाल किया यहां पर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और केंद्र कल भी गोदी मीडिया को डिफेंड कर रही थी, उनके झूठ को डिफेंड कर रही थी। इस खबर के मुताबिक द सेंटर हैज डिफेंडेड द मीडिया इन दिस केस एंड सेड इन इट्स रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर वॉज नो इंस्टेंस ऑफ बैड रिपोर्टिंग। यानी कि खराब रिपोर्टिंग की एक भी मिसाल सामने नहीं है। आपको शर्म आती है? कुछ देर पहले हमने देखा जेपी नड्डा साहब और प्रकाश जावड़ेकर टीआरपी में फर्जीवाड़ा करने वाले एक शख्स, बकौल मुंबई पुलिस, टीआरपी में फर्जीवाड़ा करने वाले एक शख्स को डिफेंड कर रहे थे। वो चैनल जिसने लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में झूठ परोसा, और मैं झूठ शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आ गई है। एम्स कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई, उसमें पॉइजनिंग नहीं हुई। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स की जांच कर ली है, इस अकाउंट्स के अंदर किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ।
यानी कि तुम रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से गोल्ड डिगर बता रहे थे, उस पर हमला कर रहे थे, वो भी गलत साबित हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह चैनल झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा था, और इस चैनल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और हमारे मंत्री खड़े हुए हैं। मगर मैं आता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट में जो लताड़ लगाई है उस पर आपके सामने बात करने, क्योंकि तबलीगी जमात के बहाने हमारी मीडिया ने जो जहर परोसा, जहर तो एक अलग बात है, झूठ परोसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि समाज के अंदर मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात उठने लगी। मैं आपको बताने वाला हूं जिस मीडिया को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही बता रही है, डिफेंड कर रही है, उनका झूठ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने ऑल्ट न्यूज की एक खबर। दोस्तों, अमर उजाला ही नहीं, पत्रिका ने इस खबर के मुताबिक यह बताया था कि तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नॉनवेज की मांग की सहारनपुर में, और जब उन्हें नॉनवेज नहीं मिला तो उन्होंने खाना फेंक दिया और वहां खुले में शौच की। यह खबर कई मीडिया चैनल्स ने चलाई, कई अखबारों ने चलाई। अब मैं आपको किसी और की बात नहीं दोस्तों, सहारनपुर पुलिस की बात बताने वाला हूं, और इस तरह की मीडिया की जो है सही ठहरा रही है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये देखिए आपके सामने सहारनपुर पुलिस का यह बयान। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच की सत्यता की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए थे, जिनके द्वारा जांच की गई, तो जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत और असत्य पाई गई है। ये कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा है दोस्तों, सहारनपुर पुलिस कह रही है। सहारनपुर पुलिस मीडिया की पोल खोल रही है, उस मीडिया को जिसे सही ठहराने की कोशिश केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रही है। ये इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, जिस तरह से बेशर्मी का बयान आया है प्रकाश जावड़ेकर और जेपी नड्डा का, यह झूठ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? एक और झूठ, इंडिया टीवी ने 2017 का एक वीडियो पेश किया जिसके अंदर उन्होंने यह दावा किया कि ये जो इस्लामिक प्रीचर हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, वो जमातियों से कह रहे थे कि तुम थूको। यह 2017 का वीडियो था, मुद्दा बिल्कुल अलग था, और 2017 का वीडियो था, और आप जानते हैं 2020 में तबलीगी जमात वाली घटना हुई है। इस वीडियो को, तो इस मीडिया को तुम डिफेंड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आगे देखो, आपको याद है न्यूज 18 में एक कार्यक्रम चला था जिसमें यह कहा गया था, और यह कार्यक्रम इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि तबलीगी जमात के लिंक्स पाकिस्तान के साथ। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर यह बात सही है तो बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस को इस पर बयान देना चाहिए। कोई बयान नहीं आया दोस्तों, इस न्यूज चैनल ने यह झूठ की खबर परोसी और गायब हो गया। यह दीजिए आपके सामने एक और अदालती फैसला। देखिए, मैं जो आपके सामने मुद्दे रख रहा हूं ना, ये अदालती फैसलों के आधार पर खबर आपके सामने। बॉम्बे हाई कोर्ट क्वॉशेस FIRs अगेंस्ट फॉरेनर्स हु अटेंडेड तबलीगी जमात कॉन्ग्रेगेशन। क्या कहा इसमें? इनके खिलाफ FIR कर दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस FIR को खत्म कर दी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ है आपके सामने, और यह सवाल आप कभी नहीं पूछेंगे सरकार से कि जब मुंबई पुलिस तबलीगी जमात को इजाजत नहीं दे सकती है मार्च के महीने में समारोह करने की, तो हमारे गृह मंत्रालय ने, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस आता है गृह मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्रालय में मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, तो दिल्ली पुलिस ने क्यों इजाजत दी? और जिस निजामुद्दीन ने तबलीगी जमात का यह मरकज हो रहा था उसके ठीक साथ में पुलिस स्टेशन है, तुमने क्या किया भाई? इस पुलिस को तुम लताड़ नहीं लगाओगे, मीडिया के झूठ को तुम डिफेंड करोगे? वाकई इनको शर्म नहीं आती। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों, सबसे डर की बात यह है कि जिस मीडिया को यह सरकार टारगेट कर रही है ना,
कार्यक्रम के शुरू में क्या कहा था मैंने आपको, बयान सुनाए थे मैंने जेपी नड्डा के और प्रकाश जावड़ेकर, ये दोनों क्या कह रहे थे कि मीडिया की आजादी पर हमला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों मीडिया के साथ इन्होंने क्या किया है, देखिए। और ये मिसाल कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश की है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये खबर है रविंद्र सक्सेना, जो कि सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में क्वारंटीन सेंटर्स में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट चल रहा है, जिस तरह की घपलेबाजी चल रही है, इस पर इन्होंने खबर की। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज कर दी गई, रविंद्र सक्सेना के खिलाफ। बताइए ना, कुछ देर पहले आप मीडिया की आजादी की बात कर रहे थे, तो जो लोग TRP में घपला करते हैं उनके पक्ष में बीजेपी के बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं, और ये तुम कर रहे हो असली पत्रकारों के साथ, बात यहां नहीं रुकती है। पवन जायसवाल याद है आपने, पवन जायसवाल ने मिड डे मील स्कीम्स में हमारी जो मासूम बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें नमक रोटी दी जा रही है खाने में, उस पर खबर की थी, उसके खिलाफ FIR कर दी थी, उसका जीना मुहाल कर दिया था इन्होंने। ये खबर जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है, तुम्हारे पास शब्द हैं, तुम्हारे पास शब्द हैं अपने इस झूठ के लिए? और बात यहां नहीं रुकती है, आपके स्क्रीन्स पर यह शख्स है प्रशांत कनौजिया। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ट्वीट किया जो एक गलत जानकारी थी, रीट्वीट किया और बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। यह पत्रकार पिछले एक महीने से जेल में है। कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी का मेरे पास कॉल आया, जगीशा का। जब उनकी पत्नी का कॉल आया तो मैं खुद कोरोना से ग्रसित था और खुद बात करने की स्थिति में नहीं था। जगीशा का मैंने यह आर्टिकल वायर में पढ़ा है दोस्तों, मेरे आंखों में आंसू आ गए। किस तरह से प्रशांत कनौजिया को देर रात पुलिस उठाकर ले गई, और अब ट्वीट के लिए जो उन्होंने डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं कि वो ट्वीट अभी भी है, डिलीट कर दिया, उस ट्वीट के लिए आदमी जेल में है। और हमारे सामने ढेरों मिसालें उन पत्रकारों की जो समाज में जहर फैलाते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दी मिसालें, ढेरों मिसालें हैं, झूठी खबरें प्रसारित करते हैं, प्रचार करते हैं वो लोग, उन पर कोई एक्शन नहीं। अरे मैं मानता हूं प्रशांत से गलती हो गई, मगर उसने उस गलती भूल सुधार भी तो किया ना उसने। प्रशांत कनौजिया की दिक्कत यह है कि वो व्यवस्था का विरोधी पत्रकार है, इस सरकार से सवाल करता है। हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ लक्ष्मण रेखाओं को पार कर जाते हैं, मैं उनसे हर बात में इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं मगर उसके बोलने की हक की आजादी के पक्ष में खड़े होकर दिखाई दें, हां वो अगर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है, किसी के चरित्र हनन कर रहा है तो ठीक है, मगर जैसे मैंने कहा उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, एक महीने से वो बंदा जेल में है। और प्रशांत कनौजिया एक व्यक्ति नहीं है, उनकी एक पत्नी है, उनका एक परिवार है भाई। बात प्रशांत कनौजिया हो गई, ये तीसरी मिसाल मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, FIR अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑन द वे टू हाथरस अंडर एंटी टेरर लॉ। केरल के पत्रकार हैं सिद्दीक कप्पन, वो हाथरस जा रहे थे सोमवार को, और कथित गैंगरेप जो हुआ वहां 20 साल की लड़की का, उसे कवर करने, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देशद्रोह का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज कर दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कर दिया गया, क्योंकि सिद्दीक कप्पन तो थे ही, उनके साथ अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम, उन्हें मथुरा टोल गेट पर रोका गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इनका PFI के साथ लिंक है, तो भैया PFI पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो, किसने रोका है तुमको? और इस तरह से मीडिया को निशाना बनाना, इसलिए जब प्रकाश जावड़ेकर और जेपी नड्डा कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ दिक्कत हो रही है, तो मुझे हंसी आती है आपके बयान पर। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंतर्गत इस शख्स उमर खालिद को बंद कर दिया गया, यह कहते हुए कि उनके बयान से दिल्ली में दंगे हो गए। हालांकि जो बयान मैंने उसमें सुना था उसमें वो सामाजिक सौहार्द की भी अपील कर रहे थे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से डॉक्टर कफील खान के साथ हुआ था। कई महीनों तक वो शख्स जेल में बंद रहा और बाद में
अदालत ने यह कह के रिहा किया कि जो बात डॉक्टर कफील खान कह रहे थे उससे तो समाज में सौहार्द बढ़ता है, और उन पर रासुका लगा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया था। उनकी बात से देश में एकता बढ़ती है, यह बात मेरे शब्द नहीं है, अदालत के शब्द हैं। आज डॉक्टर कफील इस तरह से डर गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। उमर खालिद की बात करते हैं, जो उसने कहा सो कहा वो एक अलग बात है। मुझे एक बात बताइए, ये आदमी इस तस्वीर में देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे और इसने कहा था कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कल आप भी हमें नहीं रोक पाओगे। ये खुलेआम इस आदमी ने कहा था कि नहीं? और उसके बाद ही दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है कि जैसे ही इस आदमी ने, इस बेहोश मिश्रे ने वो वाहियात बयान दिया था, उसके ठीक बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए झूठी खबरों का आदान प्रदान हुआ और उन्होंने दंगों में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। ये वो खबर थी जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई हुई? सांसद प्रवेश साहिब सिंह पर कार्रवाई हुई, जिन्होंने यह कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुसकर आपकी बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। इतना वाहियात बेतुका बयान, समाज में क्या ये दंगे नहीं फैला रहे हैं? अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री बोल रहे थे, वो नारे लगवा रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। इन पर इनका जिक्र है कहीं चार्जशीट में? वाकई बहुत ही भयावह स्थिति है। ये सरकार दंगे को भड़काने वाले लोगों के साथ है, झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले पत्रकारों के साथ है। और जो आज मैंने आपको तमाम बातें बताई हैं, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसलों के बुनियाद पर मैंने आपसे कहा है। तथ्यों के आधार पर जो झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। क्या शर्म आती है बीजेपी को? क्या शर्म आती है सरकार को? और आपसे क्या कहना, आप लोग तो हैं ब्रेन वॉश्ड। मगर बोल के लब आजाद है तेरे में, हमारा फलसफा है कि हम अपने बोल स्पष्ट रखते हैं, आपके हक में रखते हैं, क्योंकि हम आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार।